अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ज़रदा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम कुकर में बनाएंगे, जो बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त तरीके से बनके तैयार हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे 250 ग्राम मावा ले लिया है, उसको 2 टेबल स्पून घी डाल के और थोड़ा सा हम पैन में इसे एकदम ड्राई कर लेंगे। अगर आपके मावे में पानी नहीं भी है तो भी इसे आप थोड़ा सा ड्राई कर लें। और यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने घी डाल के फ्राई कर लिया है। एक कुकर में खुला पानी रख देंगे और इसमें हाई बॉयल का वेट करते हैं। एक गिलास बासमती राइस को अच्छे से वॉश करके और 15 मिनट के लिए भिगा दिया था, अब उसे स्ट्रेन करके इसमें डाल देते हैं। और इसमें 3 से 4 स्लाइस ऑरेंज पील संतरे के छिलकों डाल देंगे, इससे इसमें खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे कवर कर देंगे कि दोबारा इसमें हाई बॉयल स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, तो ढक्कन को हटा देंगे और इसे हम कम्प्लीटली डन कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, लेकिन चावल हमारे पूरी तरह गल जाने चाहिए। तो इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे और हम अभी थोड़े से इसमें बाकी हैं, तो थोड़ी देर हम और पकाते हैं। तो यहाँ पे चावल जो है डन हो गया है, तो इसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है और सेम कुकर में वापस रख के और जो भी ऑरेंज के छिलके हैं उनको निकाल देंगे। और इसमें एक गिलास चावल था तो एक गिलास शक्कर डाल देते हैं। 2 हरी इलायची को थोड़े से शक्कर के साथ पीस के यहाँ पे डाल देंगे। नीचे फ्लेम जो है एकदम स्लो पे है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किया था हाफ डाल देते हैं, हाफ पचा लेंगे। और जो मावा हमने एकदम ड्राई कर लिया था, देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, वो भी यहाँ पर हम आधे से ज़्यादा डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेते हैं। और साथ में इसमें हाफ कप घी जाएगा, 4 से 5 टेबल स्पून भर के, तो वो भी यहीं पे डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा जो रिफाइंड ऑयल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड तेल भी डाल दिया, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें चिकनाहट होगी हमारा ज़रदा जो उतना ही मॉइस्ट बनेगा। तो इसे हल्के हाथ से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को नीचे हाई कर देते हैं और इसके लिड को हम ऐसे ही ऊपर से कवर कर देते हैं। तो इसमें देखिए जितना भी शुगर था वो मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा हम लिक्विड को हल्का सा और ड्राई करेंगे, तो 2 मिनट के लिए हमने और कवर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लिक्विड था शुगर का वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा बराबर करके और इसमें जो है प्रेशर लगा देते हैं और यहाँ पे इसे कवर करके फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। 3 से 4 मिनट जब लो फ्लेम पे इसमें दम जैसा हो जाएगा तो प्रेशर को अपने आप निकाल देंगे और इसे खोल लेते हैं। अब इसमें सिर्फ हमारा घी का ही लिक्विड बचा है, तो अब जो हम इसमें कलर घोल के रखे हैं वो डाल देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 कलर यूज़ करूँगी, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा येलो फूड कलर और थोड़ा सा ग्रीन कलर। तो इसको बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही पानी में हमें घोल लेना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं इसमें और फौरन इसमें हम लिड को लगा देते हैं, फ्लेम को लो ही रहने देंगे और बस 2 मिनट का वेट करके हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो 2 मिनट के वेट के बाद ये देखिए इसमें अच्छा सा दम भी बना था, गैस को ऑफ कर दिया है और जो भी हमारा ये हमने कलर बाद में डाला था वो भी कुक हो गया है। चावल आप देख लें कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें। तो अभी इसे हम हल्का सा साइड से खोल देते हैं, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। और उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स और खोया बचा के रखा था वो यहीं पे डाल देते हैं। और कभी भी जर्दे को तुरंत डिश आउट या सर्व ना करें, जब भी रेडी हो जाए तो 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमेशा रेस्ट दें। उससे जो शुगर का थोड़ा भी लिक्विड होगा वो हमारे चावलों पे अच्छे से कोट हो जाता है और इसकी सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो बस इस सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए सिंपल कवर कर देते हैं, उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट जर्दा बनके तैयार हो गया है। इसे आप फटाफट 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इस ज़बरदस्त इंस्टेंट जर्दा क्रिस्पी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही फटाफट बन जाता है, सॉफ्ट बनता है, चावल जो हैं वो शुगर सिरप में ऐडते भी नहीं, ये देखिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें
और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी रेसिपी भी ज़रूर चेकआउट करें, आपको सभी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।